आपने पिछले वीडियो में बोरे में सब्जी की खेती का महत्व और सामग्री के बारे में जाना। आज हम इसकी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। देखिए दीदी, अब इस बोरी को जो है, एक तरफ तो मुंह खुला हुआ है ही, दूसरे तरफ से भी हमको ये मुंह खोलना है, इसलिए इस ब्लेड से इसका हम मुंह। अच्छा भैया, बोरी का एक तरफ मुंह खुला है, फिर दूसरे तरफ किस लिए खोल रहे हैं? दीदी इसलिए हम खोल रहे हैं कि जब इसमें जो है मिट्टी डालेंगे तो पृथ्वी से भी ये संपर्क रहेगा इस मिट्टी को, तो इससे क्या होगा, इस मिट्टी में नमी बना रहेगा। अगर ये संपर्क नहीं रहेगा तो वो नमी नहीं। देखिए दीदी, अब ये आधी मिट्टी में हम इस वर्मी कंपोस्ट को मिला लेंगे। ठीक है भैया, मिलाएंगे। दीदी अब इस बोरी में वो आधा बचा हुआ जो मिट्टी था उसको हम इसको डाल करके इसको खड़ा करते हैं। आज अब दीदी वो मिट्टी इसमें डाल दिए हैं, सिर्फ मिट्टी वाला में। अब इसको इसमें इस बांस को इस प्रकार जो है उसमें डाल देते हैं। अब इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला हुआ मिट्टी अब इसमें हम डालते हैं। दीदी भैया, पहले जो बोले थे बांस पानी के लिए देंगे, वही है ये बांस? हाँ, इसी प्रकार इसमें दिया जाएगा। वो जो पानी के लिए हम बोले थे कि पानी से नमी बना रहेगा, पानी डालने के लिए अंदर तक पानी चला जाएगा, तो इसी प्रकार इसको डाल दिए तो जब हम इसमें पानी डालेंगे ऊपर से तो अंदर तक ये पानी चला जाएगा, तो सब जगह नमी बना रहेगा। ठीक है भैया। दीदी अब देखिए, इस बांस के सहारे हम इस बोरे में अंदर तक मिट्टी ये पानी डालेंगे ताकि सब जगह नमी बना दे। देखिए देखिए दीदी, ये जो गड्ढे में से मिट्टी निकाले थे, अब जो इस बोरे को रख दिए हैं, अब जो खाली जगह है उसमें इस मिट्टी को हम बराबर कर देते हैं। देखिए दीदी, अब ये बोरी तैयार हो गया, पानी उनी देकर के तैयार कर दिए हैं। अब इसे हम 24 घंटा के लिए हम छोड़ देते हैं, फिर जब 24 घंटे के बाद इसको हम फिर जो है बीज कैसे लगाएंगे वो हम आपको बताएंगे। उम्मीद है कि आपको इसकी प्रक्रिया सही तरीके से समझ आ गई होगी। एक बात और, सही प्रक्रिया सही उपज का भागीदार होता है।